दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और पाइए दुनिया भर की रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। मोदी सरकार ने एक महिला अधिकारी को रातों रात इंडिया बुला लिया। वो अमेरिका में तैनात थी। इस बात को लेकर पूरे देश में उनकी चर्चा है। इनका नाम है करुणा गोपाल। करुणा की चर्चा इसलिए कर रही है क्योंकि ये 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना की प्रमुख सलाहकार हैं। पीएम मोदी की सरकार ने खुद भारत में होने वाले इस कार्य के लिए करुणा को इनवाइट किया है। करुणा की तमाम उपलब्धियों के पीछे उनका संघर्ष है। जब करुणा 14 साल की थी तब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ था। क्लिनिकली उन्हें मृत मान लिया गया था, लेकिन न वे फिर जी उठी। इसके बाद पढ़ाई पूरी कर वे NIIT में बतौर फैकल्टी पढ़ाने लगी, साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम भी करने लगी। 1991 में इनकी शादी गोपाल कृष्ण से हो गई। 1990 के दशक में उनके साथ वर्चुअल टीम थी। यही ने करुणा के जीवन में बदलाव आया। वे एडवाइजर के रूप में काम करने लगी। करुणा ने अमरीका, सिंगापुर और वियतनाम आदि देशों से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट डिजाइन के प्रस्ताव आए और वे काम करने लगी। अपने इस काम की वजह से वे वेंकैया नायडू के कांटेक्ट में आईं और विदेशों का काम देखकर देश में स्मार्ट सिटी के लिए काम करने का प्रस्ताव मिला। उन्होंने ही देश का स्मार्ट सिटी मिशन डिजाइन किया है। प्रधानमंत्री ने करुणा गोपाल को इस मिशन लॉन्च पर आमंत्रित किया था। वे मसूरी में IAS अकादमी में भी पढ़ाती हैं। लाइक, कॉमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।